एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल इन पाइथन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म को जानना ज़रूरी है, जिसका मीनिंग है स्कोप। स्कोप इज़ द एरिया ऑफ अ कोड वेयर द वेरिएबल कैन बी यूज, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ तक हम उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, उसे हम स्कोप बोलते हैं। दो टाइप का होता है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द लोकल स्कोप आर नोन एज लोकल वेरिएबल एंड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज लोकल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल इस लोकल स्कोप के अंदर अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो वो वेरिएबल कहलाएगा आपका लोकल वेरिएबल, और आपका स्कोप होगा वो लोकल स्कोप कहलाएगा। और सिमिलरली वेरिएबल विच कैन बी यूज इन इंटायर प्रोग्राम इज ग्लोबल वेरिएबल, और ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में कभी भी यूज किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। एंड दैट वेरिएबल हैविंग अ ग्लोबल स्कोप, दैट मीन्स उसका कहने का मतलब है कि उसका जो स्कोप होगा वो कैसा होगा, उस वेरिएबल का स्कोप कैसा होगा, ग्लोबल स्कोप होगा, वो इंटायर प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन लोकल जो वेरिएबल है वो उस प्रोग्राम में केवल उसी पार्ट तक यूज किया जा सकता है जिसके अंदर वो डिफाइन किया गया है। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर एक डेफिनेशन बनी हुई है। सबसे पहले a इक्वल टू 20 एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है, सबसे टॉप मोस्ट टॉप में एक a इक्वल टू 20 वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। फिर उसके बाद आपकी एक फंक्शन की डेफिनेशन बनी हुई है जिसके अंदर b इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है और प्रिंट हो रही है, दो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं। बॉडी ऑफ द फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन है आपका जिसके अंदर तीन स्टेटमेंट हैं, डिस्प्ले और प्रिंट, दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं। तो आपका प्रोग्राम कहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जो ए वेरिएबल है, ये वेरिएबल आप देख रहे हैं कि फंक्शन की बॉडी से भी बाहर है और मेन प्रोग्राम से भी बाहर डिफाइन किया गया है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये क्या होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसका स्कोप होगा पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, इसको हम कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और अब दूसरा आप देख रहे हैं बी इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10 आप देख रहे हैं, v इक्वल टू 10 आपने देखा, तो इसको ये जो v इक्वल टू 10 है इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप केवल कितना है इस फंक्शन के अंदर, मतलब हम इसको केवल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर केवल। तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, ये कैसा वेरिएबल हो गया, b कैसा वेरिएबल हो गया, b हो गया आपका एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। आउटपुट निकाल के देखते हैं इस प्रोग्राम का। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपका जो प्रोग्राम कंट्रोलर है वो सबसे पहले किस फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर जाता है। मेन प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होते ही फंक्शन के अंदर चला जाएगा, कंट्रोलर कहाँ चला जाएगा, डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा। और डिस्प्ले के अंदर बी इक्वल टू 10 आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। देन उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा इनसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन ए, ए प्रिंट होना है। दैट मीन्स अब यहाँ पर ये a जो है क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि a जो है वो क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। a क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। एंड लोकल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन b, b भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। b क्या है, 10। b क्या हो गया, इस फंक्शन के लिए क्या है, लोकल वेरिएबल है। दैट मीन्स b यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपके सामने, 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब वापस कंट्रोलर वापस आएगा, वापस आने के बाद जब मेन प्रोग्राम में आएगा कंट्रोलर, तो आपके सामने तीसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा आउटसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन ए। अब आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ए को आप मेन प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस कर ले रहे हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ए क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और अगर आप चाहें, अगर आप बी को एक्सेस करना चाहें मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर बी को एक्सेस करना चाहें, तो लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन बी, बी यहाँ पर अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक एरर आ जाएगी, एरर शो हो जाएगी, ट्रेसबैक एरर आ जाएगी कि आपका ये जो है लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन है, ये लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन हम यूज़
नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। दैट मींस ए जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है और बी क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। बी को केवल उसी फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है जहाँ वो डिफाइन किया है। ए ग्लोबल होने के कारण पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तो ए का स्कोप कहलाएगा आपका ग्लोबल स्कोप और बी का स्कोप कहलाएगा आपका लोकल स्कोप। आगे और समझते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल काम कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल में भी आपका एक डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है, मेन प्रोग्राम नीचे है और तीन वेरिएबल इसने डिफाइन कर रखे हैं। ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 आपको जैसा दिख रहा है कि एक ग्लोबल वेरिएबल है, बी इक्वल टू 20 एक लोकल वेरिएबल है और सी इक्वल टू 30 भी एक लोकल वेरिएबल है। किसके लिए? मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन के लिए सी इक्वल टू 30 भी लोकल वेरिएबल है। दैट मीन्स अभी प्रिंट कैसे होगा, प्रोग्राम रन कैसे होगा? सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर आपका बी इक्वल टू 20 एक लोकल वेरिएबल डिफाइंड हो गया, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा ग्लोबल ए। ग्लोबल ए का मतलब यहाँ पर जो ग्लोबल ए प्रिंट हो रहा है, ये ग्लोबल ए कौन सा प्रिंट होगा? ए इक्वल टू 10, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। और लोकल बी आपके सामने इसे प्रिंट हो जाएगा बी इक्वल टू 20, क्योंकि वो लोकल है उस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, मैंने एरो बना के शो किया हुआ है कि जो ए का स्कोप है वो तो है कंप्लीट नीचे पूरे प्रोग्राम तक। अगर आप बी के स्कोप की बात करें तो बी का स्कोप केवल इतना है, और अगर आप सी के स्कोप की बात करें तो सी का स्कोप भी केवल तीन स्टेटमेंट तक ही है, तीन स्टेटमेंट तक ही आपको शो हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए ग्लोबल वेरिएबल हो गया, बी और सी यहाँ पर क्या हो गया, अपने अपने स्कोप में क्या हो गए, वो लोकल वेरिएबल्स हो गए। तो उनका इस पर्टिकुलर स्कोप लोकल स्कोप हो गया, ठीक। जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो सबसे पहले ग्लोबल ए प्रिंट होगा 10, लोकल बी प्रिंट होगा 20, और जब वापस कंट्रोलर मेन प्रोग्राम में आएगा और वहाँ लोकल सी प्रिंट करेगा तो लोकल सी की वैल्यू कितनी है? 30, और ग्लोबल ए की वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा? 10 कर देगा, क्योंकि अब ए जो है पूरे इंटायर प्रोग्राम में एक्सेस किया जा सकता है। होप आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और उनका स्कोप क्या होता है, उनका एरिया स्कोप हम किसे बोलेंगे। तो स्कोप ये कंप्लीट एरिया हो गया, पीस ऑफ कोड हो गया जहाँ तक हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया यहाँ से लेके कंप्लीट नीचे तक का, ये एरिया पूरा कंप्लीट क्या हो गया? ए का स्कोप हो गया, और ये एक ऐसा वेरिएबल हो गया ग्लोबल वेरिएबल हो गया। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, दोनों सेम प्रोग्राम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी सेम है और लोकल वेरिएबल का नेम भी सेम है, और इस स्कोप के अंदर, एक सेम स्कोप के अंदर वो दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को भी प्रिंट करा रहा है और लोकल वेरिएबल को भी प्रिंट करा रहा है। तो अब यहाँ पर वो क्या होगा कि कैसे वो प्रिंट करता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल शेयर सेम नेम, सो व्हाइल प्रिंटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ लोकल वेरिएबल। कहने का मतलब ये है, इसको आप पढ़ेंगे इसमें ध्यान देंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम को शेयर कर रहे हैं, तो प्रिंट करते वक्त फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब यहाँ पर ग्लोबल ए जब प्रिंट होगा तो तब भी इसकी वैल्यू 20 आएगी, और लोकल ए प्रिंट होगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों का नेम क्या है? सेम है, तो प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी? वो लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दे देगा। जबकि मेन प्रोग्राम के अंदर सी इक्वल टू 30 है, लोकल सी आपके सामने प्रिंट होगा 30, और ग्लोबल ए प्रिंट होगा यहाँ पर आपका जो ग्लोबल वेरिएबल ए है, ए इक्वल टू 10 है, तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 10। बस डिफरेंस ये देखना था कि जहाँ एक सेम स्कोप में, अगर जो सेम सिमिलर स्कोप था, एक स्कोप था इस वेरिएबल का, इसके अंदर आपके ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के सेम नेमिंग है, तो वो प्रेफरेंस किसको देगा? आपका लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, और वही आपकी उसकी वैल्यू ही आपकी स्क्रीन पर क्या होगी? प्रिंट होगी। तो ये भी समझना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में। अब आपको ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझ में आए होंगे। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।